सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शिखर चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं एक MPG 4 HD सेटअप बॉक्स को रिव्यू करके दिखाया था। जी हाँ, सेटअप बॉक्स का नाम है कैट विजन CSR401HP। देखिए, यही वो सेटअप बॉक्स है जिसको मैंने रिव्यू करके दिखाया था और एक वीडियो में मैं इसका ट्यून करके भी दिखाया डेडी फ्री डिश को। तो इस सेटअप बॉक्स के अंदर एक फीचर्स दिया गया है, ट्यूबी कास्ट एप्लीकेशन को कैसे आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके आप ट्यूबी कास्ट के जरिए इस सेटअप बॉक्स के जरिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने टीवी में देख सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे पास कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, मोबाइल से कैसे इस सेटअप बॉक्स के जरिए यानी कि ट्यूबी कास्ट एप्लीकेशन के जरिए आप अपने टीवी में मोबाइल के ऑफलाइन वीडियो यानी कि आपके मोबाइल पे अगर ऑफलाइन वीडियो सेव किया हुआ वीडियो हो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब से डायरेक्ट अपने मोबाइल के जरिए टीवी में वीडियो देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। बहुत सारे कमेंट मुझे लिखा गया है इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, मैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे हूं और यहां से मैं अभी मेरा मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है और डेटा कनेक्शन है दोनों को ही ऑन कर लेता हूं। और हॉटस्पॉट के सेटिंग्स पे और एक चीज हमें देखना है। देखिए, यहाँ पे जो लिंक ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, इसको हमें 2 से ऊपर कर देना है, 2 या 3 कर देना है, क्योंकि एक हॉटस्पॉट के जरिए मैं एक मोबाइल को कनेक्ट करूंगा और उसी हॉटस्पॉट के जरिए मेरा जो सेटअप बॉक्स है उसको कनेक्ट करूंगा। तो 2 डिवाइस कनेक्टेड होगा। अब मैं दूसरे मोबाइल पे जाऊंगा और मेरा जो दूसरा मोबाइल है उस मोबाइल का जो वाईफाई है उसको मैं इस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करूंगा। तो देखिए, हॉटस्पॉट के साथ मेरा कनेक्शन हो गया है। अब मैं प्ले स्टोर से ट्यूबी कास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा और उसके बाद अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए हम ट्यूबी कास्ट टाइप करते हैं फटाफट प्ले स्टोर पे। और देखिए, पहला वाला जो है रेड कलर का, यही वो एप्लीकेशन है, इसको हमें इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन पे। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल होते होते मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि अगर किसी चीज को मिस कर जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने पहले जो डिवाइस पे हॉटस्पॉट को ऑन किया था वो अलग सा एक डिवाइस है, और जिस डिवाइस में मैं अभी ट्यूबी कास्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूं ये दूसरा डिवाइस है। यानी कि अगर आप ट्यूबी कास्ट के जरिए अपने मोबाइल के स्क्रीन को टीवी में देखना चाहते हैं तो आपको एक हॉटस्पॉट चाहिए और एक वाईफाई मोबाइल कनेक्टेड यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। तो क्यों चाहिए मैं आपको बाद में समझाता हूँ और बताता हूँ। देखिए, मेरा ट्यूबी कास्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, मैं अब इसको ओपन करने जा रहा हूँ। देखिए, अलाउ हमें कर देना है जो जो चीज़ अलाउ मांगेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे सर्च और टाइप URL और यहाँ पे सबसे पहले है डिवाइस। तो डिवाइस को हमें कनेक्ट करना है यानी कि सेट टॉप बॉक्स के साथ इस मोबाइल को कनेक्ट करना है। कैसे करना है? इस मोबाइल को जिस हॉटस्पॉट के साथ मैंने कनेक्ट किया उसी हॉटस्पॉट के साथ मैं सेट टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट करूंगा। तो सेम हॉटस्पॉट के साथ मेरा ये मोबाइल और सेट टॉप बॉक्स दोनों ही कनेक्ट करने पर ही दोनों ही आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी सेट टॉप बॉक्स को कैसे कनेक्ट करना है। देखिए, मेरे पास ये सेट टॉप बॉक्स है,
कैटविजन का देखिए यहाँ पे पावर और यहाँ पे HDMI कनेक्शन मैं आपको HDMI पे दिखाता हूँ। देखिए HDMI मेरा केबल है और HDMI केबल को मैं अभी HDMI टीवी पे लगाऊंगा और उसके बाद मैं कनेक्ट करूंगा। तो चलिए कनेक्ट करते करते मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि दो मोबाइल डिवाइस क्यों कनेक्ट करना है, यानी कि एक हॉटस्पॉट के साथ दूसरे मोबाइल के वाईफाई को और सेटअप बॉक्स को क्यों कनेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल के साथ सेटअप बॉक्स के को कनेक्ट करेंगे तो उसी मोबाइल से आप ऑफलाइन वीडियो को नहीं देख सकते, हालांकि आप YouTube देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल पे स्टोर किया हुआ, डाउनलोड किया हुआ ऑफलाइन वीडियो को देखना, तो आपको दूसरा किसी हॉटस्पॉट के साथ अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करना होगा और उसी हॉटस्पॉट के साथ सेटअप बॉक्स को भी कनेक्ट करना होगा, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन किया और उसी मोबाइल के हॉटस्पॉट को अपने सेटअप बॉक्स में कनेक्ट किया और उसी मोबाइल से अगर आप ऑफलाइन वीडियो देखना चाहेंगे तो वो वीडियो नहीं चलेगा, एरर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलिए टीवी के और सेटअप बॉक्स के पावर को ऑन करते हैं। देखिए मैंने पावर दे दिया है और अभी कुछ ही देर में स्क्रीन आ जाएगा टीवी में और HDMI से मेरा चल रहा है। ये देखिए स्क्रीन भी आ चुका है और कैटविजन का जो लोगो है वो भी आ चुका है। और अभी डीडी फ्रीडिश का मैंने चैनल लगाया है, तो डीडी फ्रीडिश का चैनल देखिए आ गया है। वाईफाई डिवाइस इज प्लग इन ऑन, यानी कि वाईफाई के साथ कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर। तो चलिए मैं अभी इसको डिसकनेक्ट करके सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए डिसकनेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए डिसकनेक्ट रेड बटन आप प्रेस कीजिएगा। देखिए डिसकनेक्ट रेड बटन रिमोट का मैं प्रेस करके डिसकनेक्ट कर देता हूँ। देखिए वाईफाई डिसकनेक्ट है, तो इस मोड में हमें हमारे पास रहेगा और मुझे अभी कनेक्ट करना है। तो रेड बटन को हम प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करके रेड बटन को हम प्रेस करेंगे। देखिए ओके रेड बटन पे ही कनेक्ट लिखा हुआ है, तो रेड बटन को हम प्रेस करेंगे। आपका रिमोट का जो TTX लिखा है रेड बटन, उसको कनेक्ट करने के बाद उसको प्रेस करने के बाद ही कनेक्ट हो जाएगा। देखिए वाईफाई डिवाइस इज ऑन कनेक्टेड, ये लिखा आ गया है, यानी कि मेरा जो हॉटस्पॉट है हॉटस्पॉट के साथ मेरा जो सेटअप बॉक्स है ये कनेक्ट हो चुका है। अगर कनेक्ट बाई चांस आपके पास सेटअप बॉक्स नहीं हुआ तो सेटअप बॉक्स को फिर से आप ऑफ कीजिए, अपने हॉटस्पॉट को ऑफ कीजिए, फिर से ऑन कीजिए और फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट आपका हो जाएगा। तो देखिए मेरा कनेक्ट हो गया है, नेटवर्क स्टेटस कनेक्ट। अब इसको मैं एग्जिट कर दूंगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्यूबीकास्ट एप्लीकेशन को खोल के हम कैसे यूज़ करेंगे ट्यूबीकास्ट एप्लीकेशन को। सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन वीडियो चला के दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए ये मेरा जो मोबाइल है, इस मोबाइल का ये देखिए डिवाइस, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेमो का जो एक डिवाइस है ये आ चुका है। सेम हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड है मेरा मोबाइल और सेटअप बॉक्स, इसीलिए ये डेमो आ चुका है। अब मैं आपको ऑफलाइन वीडियो, देखिए वीडियो है 3 नंबर पे, तो वीडियो ये देखिए वीडियो को मैं अभी ये चला के आपको दिखा रहा हूँ। ऑफलाइन वीडियो है, डेटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मोबाइल के डेटा को ऑफ रखिएगा तो ऑफलाइन वीडियो आपका चलने लगेगा। देखिए किसी भी वीडियो को मैं अभी आपको चला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये एक गेम है, मैंने रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल के, तो वही मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। आप किसी भी वीडियो को चला सकते हैं, आप गाना को चला सकते हैं, सॉन्ग देख सकते हैं वीडियो, या फिर आप मूवीज़ को चला सकते हैं अपने डाउनलोड किया हुआ, या फिर आप कैमरा से अपने मोबाइल के कैमरे से किसी वीडियो को आप शूट किए हैं अपने घर के प्रियजनों का, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये टिकटॉक का एक वीडियो है डाउनलोड किया हुआ। तो इसी तरह से किसी भी ऑफलाइन वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ऑफलाइन वीडियो को देखने के लिए डेटा की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये एक कार्टून मैंने डाउनलोड किया था जी क्विज का, तो ये भी चल रहा है। तो इस तरह से आप डाउनलोड किया हुआ वीडियो भी
देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मज़े की बात यह है, आप एक बार वीडियो को प्ले कर दिया आपने मोबाइल से, उसके बाद वीडियो चलने लगेगा और उसके बाद आपके मोबाइल पे आप कॉल कर सकते हैं, दूसरा किसी वीडियो को आप मोबाइल पे देख सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वीडियो वैसा ही चलने लगेगा। और देखिए वीडियो पॉज मैंने कर दिया है, और ये देखिए वॉल्यूम को मैं अभी मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो वीडियो ऐसे ही हमें ऑफलाइन वीडियो को हम चला सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन वीडियो को आप कैसे चलाएंगे। इसके लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, तो डेटा कनेक्शन हमें ऑन रहना चाहिए उस हॉटस्पॉट का। तो हॉटस्पॉट के डेटा कनेक्शन मेरा पहले ही ऑन है, और मैं अभी आपको यूट्यूब चला के दिखाऊँगा। तो youtube.com मैं अभी यहाँ पर टाइप करता हूँ URL पे, देखिए YouTube का पेज आ चुका है। तो आप किसी भी सॉन्ग या फिर YouTube का वीडियो या फिर मूवीज़ आप YouTube से ऑनलाइन देख सकते हैं। तो कैसे देखना है, देखिए मैं अभी कोरोना वायरस का जो न्यूज़ है वो मैं अभी देखना चाहता हूँ YouTube से। तो मैं अभी यहाँ पे टाइप करूँगा सर्च में कोरोना वायरस न्यूज़। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस को लेकर पूरे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में भी कोहराम मचा हुआ है, सभी डर में है। तो इसी का न्यूज़ हमें अभी देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कोरोना वायरस। देखिए एबीपी न्यूज़ का, ये देखिए एबीपी की न्यूज़ का एक कोरोना वायरस का न्यूज़, ये मैं अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का एक सिंबल है इस पर क्लिक करते ही जो वीडियो है वो टीवी पे चलने लगेगा। ये देखिए मैंने अभी पॉज कर दिया है, और ये देखिए प्ले कर दिया है। आप वॉल्यूम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दूसरा और एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहला ही ये वीडियो है, ये देखिए कौन सा चैनल है ये पता नहीं, ये देखिए ABC न्यूज़ प्राइम, देखिए कौन से कंट्री का चैनल है हमें देखना पड़ेगा, पता नहीं ठीक तरह से, चाइना का शायद हो सकता है, ABC न्यूज़ कहाँ का पता नहीं, लेकिन ये चैनल भी हम देख सकते हैं। ये देखिए दूसरा और एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए ये अमेरिका का चैनल है, द क्या चैनल का नाम है, गार्डियन, जो भी हो, देखिए ट्रंप को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी मूवीज़, किसी भी सॉन्ग्स, किसी भी न्यूज़, हम कार्टून देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हम यूट्यूब के जो वीडियो है अपने मोबाइल से हमारे टीवी में हम कैसे देख सकते हैं, आप देखें, मैंने आपको दिखाया। ये देखिए एक सॉन्ग मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए चालू हो गया है, एक गाना है। तो इसी तरह से आप YouTube को भी देख सकते हैं अपने मोबाइल से अपने टीवी में। और व्यूअर्स ट्यूबीकास्ट एप्लीकेशन के ज़रिए आप लाइव स्ट्रीमिंग टीवी को भी देख सकते हैं, पेड चैनल को भी देख सकते हैं। कैसे देखना है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, कुछ पेड चैनल या फिर कुछ लाइव टीवी चला के स्ट्रीमिंग करके आपको दिखाऊंगा। आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, उस वीडियो में मैं आपको पेड चैनल चला के भी दिखाऊंगा। और ट्यूबीकास्ट एप्लीकेशन के ज़रिए आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी चैनल को आप कैसे देख सकते हैं, पेड चैनल को भी कैसे देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।